निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिन्होंने पूर्णिया से निर्दलीय में चुनाव जीता है, उनको अपने सांसद क्षेत्र में ही डर लगता है। जी हां, पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जेड सिक्योरिटी सुरक्षा मांगी है। जी हां, पप्पू यादव के ऊपर 41 मुकदमे दर्ज हैं और कई संगीन मुकदमे पप्पू यादव के ऊपर दर्ज हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डर लगता है और जेड सिक्योरिटी सुरक्षा गृह मंत्री से मांगी है। जी हां, पप्पू यादव कुल 31 मुकदमे के आरोपी हैं, जिनमें उन पर बेहद संगीन आरोप लगे हैं। पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपने लिए सुरक्षा बलों के एक्सकॉर्ट के साथ साथ जेड श्रेणी की सुरक्षा मांगी है। वो अपने जान के खतरे के सबूत के तौर पर एक वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव के समर्थक उन्हें ललकार रहे हैं। पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि उनकी जान माल को भारी खतरा है। पप्पू यादव अमित शाह से गुहार लगाई है कि उन्हें पहले थ्रेट सुरक्षा हासिल थी, लेकिन अब उसे वायु श्रेणी कर दिया गया है, लेकिन बिहार सरकार वायु श्रेणी की सुरक्षा नहीं दे रही है। पप्पू यादव ने अमित शाह को भेजे गए पत्र में लिखा है कि मैं अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हूं। अब जब मैं 18वीं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, तब से मेरे और मेरे परिवार को जान माल को भारी खतरा हो गया है। मुझे एस्कॉर्ट भी नहीं दिया जाता है, मात्र अंगरक्षक के सहारे चलता हूं, जबकि मुझे दूरभाष के साथ फेसबुक पर लाइव आकर धमकी दिया गया है, जिसका वीडियो मौजूद है। दरअसल पप्पू यादव जिस वीडियो का हवाला देकर सुरक्षा मांग रहे हैं, वो 2024 लोकसभा चुनाव के समय का है। पूर्णिया में चुनाव प्रचार करने गए तेजस्वी यादव के काफिले में मौजूद समर्थकों की पप्पू यादव के समर्थकों से झड़प हुई। उसके बाद 3-4 राजद समर्थकों ने फेसबुक पर लाइव आकर पप्पू यादव को ललकारा था। पप्पू यादव उसी वीडियो का हवाला देकर जान पर खतरे की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री को दिए पत्र में कहा है कि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, जिससे कि जान माल की हिफाजत हो सके। पप्पू यादव ने कहा है कि मामला उनके जीवन की सुरक्षा का है, इसीलिए अमित शाह इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वैसे पप्पू ये भी कह रहे हैं कि वो बिहार के अपराधियों, शराब माफियाओं और नक्सलियों का लगातार विरोध करते आए हैं, इसीलिए माफिया के निशाने पर उन्हें भारत से ही नहीं बल्कि नेपाल से भी धमकी मिल चुकी है। और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अमित शाह से, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से जेड सिक्योरिटी सुरक्षा मांगी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।